स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन अ स्कूल देयर आर 36 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास 3। कहते हैं कि क्लास 3 के हर सेक्शन में 36 स्टूडेंट्स हैं। द स्कूल हैज 6 सेक्शन ऑफ क्लास 3। क्लास 3 के टोटल 6 सेक्शंस हैं, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 इन ऑल। आपने बताना है कि 6 सेक्शंस में टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे क्लास 3 के, ठीक है। ये हम पहले लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन। हर सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं? 36, ठीक है। फिर है नंबर ऑफ सेक्शंस। नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं हमारे पास? 6। हमने फाइंड क्या करना है? टोटल स्टूडेंट्स 6 सेक्शंस में फाइंड करने हैं। तो हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इन 6 सेक्शंस। जो 6 सेक्शंस हैं उनको टोटल स्ट्रेंथ जो है ईच सेक्शन की उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ बनेगी? 216। 216 स्टूडेंट्स होंगे पूरे 6 सेक्शंस में, जो क्लास 3 की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है।